भाई वो गांधी परिवार की सीट है, वहाँ से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहाँ से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। हिंदी भाषा में कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा, और इसका जीता जागता उदाहरण है कांग्रेस। वो कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। अब देखिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन ऐसा ऐसा बयान देते हैं जिसकी वजह से वो ट्रोल हो जाते हैं। जैसा हाल फिलहाल में चीन को लेकर, फिर नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर दी थी, तो कांग्रेस पार्टी के कई नेता कुछ भी उल जुलूल बयान देते ही रहते हैं। इसी कसर को पूरा कर रहे हैं कांग्रेस नेता अजय राय, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर आपत्तिजनक बयान देकर मुसीबत अपने सर मोल ली। अब राजनेता एक दूसरे को लेकर बयानबाजी तो करते ही रहते हैं, लेकिन बयानबाजी का मतलब ये नहीं कि आप सारी हदों को पार कर दें, जो कि कांग्रेस नेता अजय राय ने स्मृति ईरानी पर घटिया बयान देकर किया है। बता दें कि अजय राय ने हाल ही में कहा था कि अमेठी गांधी परिवार की सीट रही है, राहुल जी वहां से लोकसभा सदस्य रहे हैं, स्मृति ईरानी यहां पर आती हैं, लटका झटका दिखाती हैं और चली जाती हैं। अरे भाई, वो गांधी परिवार की सीट है, वहां से राहुल जी कई बार रहे, राजीव जी थे, संजय गांधी, सारे परिवार के लोग वहां से रहे। हम जिस तरीके से सेवा की, आप जितने कल कारखाने आप देख लीजिए, चाहे वो भेल का कारखाना हो, चाहे डेल का कारखाना, जो भी चीज़ें जितनी भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, सारी फैक्ट्रियाँ आज बंदी के कगार, जगदीशपुर का पूरा इंडस्ट्री एरिया लगी है, लगभग जहाँ लोगों ने उस वहाँ बताया कि आधे से ज़्यादा कल कारखाने बंद पड़े हैं। स्मृति ईरानी केवल आती हैं, लटके झटके देकर चली जाती हैं। वो निश्चित तौर से गांधी परिवार की सीट है और रहेगी। राहुल गांधी निश्चित तौर से 2024 में वहाँ की कार्यकर्ताओं की मांग है, हम सब लोग ये निश्चित तौर से डिमांड करेंगे कि वो वहाँ पे चुनाव 24 में आके लड़े। अब इस बयान से स्मृति गुस्से से लाल हो गई और उन्होंने करारा जवाब भी दिया, लेकिन खास बात यह है कि इतना घटिया बयान सुनने के बाद भी स्मृति ईरानी ने जवाब तरीके से दिया है। स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, सुना है राहुल गांधी, आपने अपने किसी प्रांतीय नेता से अभद्र तरीके से 2024 में अमेठी से लड़ने की घोषणा करवाई है, तो क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं? दूसरी सीट पर तो नहीं भागेंगे, डरेंगे तो नहीं? आपको और मम्मी जी को अपने महिला विरोधी गुंडों के लिए एक नया भाषण लेखक रखने की जरूरत है। तो यहाँ स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चैलेंज दे दिया कि साल 2024 में राहुल गांधी अमेठी से स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़े। फिलहाल स्मृति ईरानी के ट्वीट पर जनता भी रिएक्ट कर रही है, जहां एक यूजर ने लिखा है, स्पॉट ऑन, मोर पावर टू यू। दूसरे यूजर ने लिखा, दीदी वो आपसे डरते हैं क्योंकि आपने उनके राजकुमार को हरा दिया, अब निराशा में वो आपको गालियां देते हैं और आपके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जोश जोश में अजय राय कुछ ज्यादा ही बोल गए, जिसका अंजाम अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है और उन्हें खूब सुनाया जा रहा है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि राहुल गांधी स्मृति ईरानी के चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं।